दिस इज कृति एंड वेलकम टू आवर चैनल wishfit.com। एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे और दो तरीके जिसके थ्रू आप अपना ईपीएफ पासबुक चेक एंड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमने पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया है कि आप कैसे एसएमएस एंड मिस कॉल के थ्रू अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट करें। दोस्तों पहला तरीका अपना ईपीएफ पासबुक चेक करने का है थ्रू वेबसाइट। चलिए जानते हैं कैसे। विजिट कीजिए www.epfindia.gov.in पर। वहां ऊपर शो हो रहे सर्विस हेड पे जाइए एंड ड्रॉप डाउन में से फॉर एम्प्लॉय ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नीचे दिए गए सर्विस हेड में जाकर मेंबर पासबुक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब आप पहुंच जाएंगे ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर। आप passbook.epfindia.gov.in से डायरेक्टली ईपीएफ पासबुक पोर्टल ओपन कर सकते हैं। अब आप वहां अपना यूएएन एंड पासवर्ड डालिए एंड लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अब आप ड्रॉप डाउन में से अपना मेंबर आईडी सेलेक्ट करें एंड व्यू पासबुक पर क्लिक करें। आपकी ईपीएफ पासबुक ओपन हो जाएगी। आप अपनी ईपीएफ पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस अपना ईपीएफ पासबुक चेक करने का थ्रू वेबसाइट। चलिए अब हम जानते हैं दूसरा तरीका जो कि है उमंग ऐप के थ्रू। पहले उमंग ऐप डाउनलोड करें। अब ऐप ओपन करें एंड स्क्रीन में नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे ऑल सर्विसेज में जाए एंड सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशनर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसमें आपको फिफ्थ नंबर पे ईपीएफओ शो हो रहा होगा, उसको सेलेक्ट करें। आप सर्च में जाकर डायरेक्टली भी ईपीएफओ सर्च कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज पे लॉगिन करें। आप अपना यूएएन मेंशन करें एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होगा, उसको एंटर करें एंड सबमिट पे क्लिक करें। अब लॉगिन करने के बाद व्यू पासबुक पर क्लिक करें। अपनी मेंबर आईडी सेलेक्ट करें एंड मेंबर आईडी सेलेक्ट करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपका ईपीएफ बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप अपना ईपीएफ पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे दो तरीके जिसके थ्रू आप अपना ईपीएफ पासबुक चेक एंड डाउनलोड दोनों कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो और फिनटेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल wishfit.com के साथ।